भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता भी मत करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा और मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकालते हुए राजा का अंगूठा कट गया। राजा परेशान हो गए। उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों जल्दी से जाओ और वैद्य जी को बुलाकर लाओ। देखो मेरा अंगूठा कट गया, कितना खून बह रहा है। इतने में पीछे से मंत्री आए और बोले कि इस चोट पर कपड़ा बांध लीजिए और आराम कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को मंत्री पर गुस्सा आ गया। वह मंत्री से बोले, मंत्री ये बात तुम कह रहे हो, मैं तो तुम्हें अपना हितेशी समझता था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को ले जाकर कारागार में बंद कर दो, पूरी रात कोड़े से पीटना और सुबह फांसी पर चढ़ा देना। महाराजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने मंत्री को बंदी बना लिया और राजमहल के कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। राजा कुछ सैनिकों को लेकर शिकार के लिए फिर से जंगल में निकल गए और फिर कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया, जिससे राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया। भटकते भटकते राजा भीलों के बस्ती में पहुंच गए, जिसे वहां के लोग उन्हें उठाकर ले गए और उनकी देवी के सामने जाकर बिठा दिया। पुजारी उसकी बलि चढ़ाने वाला ही था कि एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, ये तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और उन्होंने इस तरह राजा को छोड़ दिया और राजा की जान बच गई। फिर चूंकि अब राजा को समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसे याद आया कि आज सुबह मंत्री को फांसी लगने वाली है। वह भागा भागा आया। उसने देखा कि मंत्री फंदे को गले में पहनकर खड़ा है। राजा ने उसे नीचे उतरवाया और उसके पैर पकड़ लिए और फुट फुट कर रोने लगे। राजा ने अपनी सारी घटना मंत्री को सुनाई और माफी मांगने लगा। मंत्री बोला, माफी वाफी मांगने की जरूरत नहीं है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा बोला, मंत्री क्या तुम सच में पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से रात भर तुमने कोड़े खाए और फिर भी कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मंत्री बोले, महाराज यदि मैं यहाँ कोड़े नहीं खा रहा होता तो आपके साथ होता, और यदि मैं आपके साथ होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब राजा को समझ में आया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ईश्वर जो भी कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, जब कोई चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती है तो हम चिंतित और उदास हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए और सब कुछ ईश्वर की आज्ञा मानकर उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला होता है, वे सभी चीजें हमारी अच्छे के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी खोज लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है
वो एक दिन जरूर मरेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल तीन शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है, यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है, इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है, तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो, तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। एक बार की बात है, एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे, तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई।
उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया, कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। दो तीन दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर एक दो दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है, लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंक कर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन चार पांच दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसे। यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उसे अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज आप इसका जवाब सुन लीजिए। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने।
उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सबसे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग
वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते वो अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर कूकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारक बन जाता है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भागकर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूँ।
मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनके उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे भक्त यदि सच्चे भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूँ, जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझमें प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है, और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। ये संसार मेरी ही माया है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना चाहिए उसके आत्म सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है, और वह पुरुष सुखपूर्वक सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और ना ही किसी के कर्मफल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्मयोग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में या परलोक में वह जहाँ भी रहता है, वो परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। जो होने वाला है वो होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त है, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाता है। जो मनुष्य अंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है,
वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प मैं सद्गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक खाता हूँ। तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्री वैश्य शूद्र भूत पिशाच चांडाल कोई भी हो, वो मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। मनुष्य को उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं दिया जा सकता है, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे मित्र नहीं। यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने के लिए फिर से शुद्ध श्रीमंतों के घर में जन्म देते हैं। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता, मैं ही इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूँ। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इस माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर
मेरी इस माया में तल्लीन रहते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है, वे मेरी माया में नहीं फंसते। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले मेरे चार प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। पहला है आर्त भक्त, अर्थात दुख से निवृत्ति चाहने वाले भक्त। दूसरा है अर्थार्थी भक्त, अर्थात धन संपदा चाहने वाले भक्त। तीसरा है जिज्ञासु भक्त, अर्थात केवल मुझे जानने की इच्छा वाले भक्त। और चौथा है ज्ञानी भक्त, अर्थात मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त। आइए इसको थोड़ा समझ लें। आर्त भक्त वो है जो प्राण संकट आने पर संकट दूर करने के लिए केवल भगवान को पुकारते हैं, कष्ट का निवारण केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी से नहीं, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था। चीरहरण के समय जब तक द्रौपदी भीष्म पितामह और पांचों पांडवों पर भरोसा करती रही, तब तक वह रोती बिलखती और कष्ट पाती रही, परंतु जब सब सहारा छोड़कर अनन्य भाव से प्रभु को पुकारा, तब प्रभु ने उसकी लाज बचाई। ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक दूसरे हाथियों और हथिनियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक वह कई वर्षों तक ग्राह से लड़ता रहा और दुख पाता रहा। सब सहारा छूटने के बाद जब उसने ओम नमो भगवते कहकर हरि को पुकारा, तब भगवान ने तुरंत आकर ग्राह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र का उद्धार किया। आर्त भक्तों में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का दृष्टांत सही लगता है, कारण कि जब उस पर आफत आई, तब उसने भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे उपाय का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे भगवान से निवेदन किया। उसने श्री भगवान से कहा कि हे जगतपति, ये दहकता हुआ अश्वत्थामा का बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए दौड़ा आ रहा है, मेरी रक्षा करे। तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवान ने गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को बचाया। अर्थार्थी भक्त वो है जिनको अपनी सुख सुविधा के लिए धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं, ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वो है जिसमें भगवान को जानने और भगवत भक्ति की जोरदार इच्छा हो जाती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता में उच्च कोटि के भगवत प्रेमी को ज्ञानी भक्त माना गया है। उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख का त्याग कर प्रियतम भगवान के सुख को ही अपना सुख माना था। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, इसलिए वो भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।